कम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है SOC 301 के ऊपर। GDP का सॉल्यूशन है। GDP आज अनाउंस हो गई है और कल 12 बजे तक आपके पास इसको सबमिट करने का टाइम है। तो चलें जी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगेन वही बातें रिपीट करूंगी कि इसको एज इट इज़ नहीं लिखना, चेंज करना है, अपने माइंड से चीज़ें लेकर आनी है। जस्ट लाइक अ सैम्पल फॉर यू। तो अगर आपको इसमें कुछ भी चेंज करना है, आपको जो भी नया आइडिया आता है आप उसके अकॉर्डिंग से कर सकते हैं। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोशल एक्शन इज एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी एफर्ट विच एम्स टू ब्रिंग चेंजेस इन वेलफेयर एक्टिविटीज़। बेसिकली यहाँ पर सोशल एक्शन अभी तक मैंने नहीं आपको पढ़ाया, पर अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बताती चलूँ कि सोशल एक्शन क्या होता है। जब कोई भी ग्रुप या कम्युनिटी मिलकर आपस में काम करती है टू ब्रिंग अ नाइस चेंज इन द सोसाइटी, सो दैट इज़ सोशल एक्शन। जैसे कि आप कह सकते हैं जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है जो औरतों के हकूक के लिए बात करती है, या उसके अलावा जो ब्लैक पीपल मूवमेंट थी जहाँ पर जो ब्लैक पीपल्स को जो यूनाइटेड स्टेट में प्रॉब्लम थी उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी टू गेट देयर इक्वल राइट्स इन द सोसाइटी। ठीक है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सोशल एक्शंस। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस तरह के प्रोसेस में सोशल वर्कर्स कोशिश करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यूज़ करने की। तो क्या फ़ायदा होता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यूज़ करने का, इसके आपने 5 पॉइंट्स बताने हैं। बेसिकली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यहाँ पर आती हैं डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ लीडरशिप। आपने पढ़ी होगी अभी तक काफ़ी सारे सेमेस्टर में मुख्तलिफ कोर्सेज में डेमोक्रेटिक लीडरशिप को आपने थोड़ा सा स्टडी किया होगा, जहाँ पर हर किसी को इक्वल पार्टिसिपेशन का राइट हासिल होता है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इज सेम काइंड ऑफ दैट। आपको सिर्फ उसको सोशल वर्क के कॉन्टेक्स्ट में ला के थोड़ा सा स्टडी करना है या उसको एलैबोरेट करना है, आप कह सकते हैं। तो अगेन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या होती हैं, कि जब लोग आपस में मिलकर कुछ भी डिसाइड करते हैं और सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो दैट इज़ काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। और ये आपको हर जगह देखने को मिलता है, मतलब बिजनेस से लेके सोशल वर्क से लेके गवर्नमेंट में, हर जगह यू कैन सी डेमोक्रेसी, क्योंकि ये सबसे अच्छा वेल टेस्टेड और वेल रिजल्टेड जो है वो काइंड ऑफ रूलरशिप है, काइंड ऑफ लीडरशिप है, या काइंड ऑफ वैल्यूज़ हैं। अब इसके प्रोज की बात कर लेते हैं। प्रोज कह लें, बेनिफिट्स कह लें, एडवांटेजेस कह लें। इनकरेज कलेबोरेशन, लोगों को साथ मिलकर काम करने पर, साथ जोड़ने पर ये इनकरेज करता है। सेकेंडली, द डेमोक्रेटिक स्टाइल एनकंपसेस द नोशन दैट एवरीवन बाय वर्चू ऑफ देयर ह्यूमन स्टेट शुड प्ले अ पार्ट इन द ग्रुप्स डिसीजन। मतलब हर इंसान को राइट हासिल होता है कि वो अपने ग्रुप की जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप स्टिल रिक्वायर्स गाइडेंस एंड कंट्रोल बाय स्पेसिफिक लीडर। इसमें लेजिस फेरे की तरह ग्रुप को बेयारों मददगार नहीं छोड़ दिया जाता। देयर मस्ट बी अ लीडर जो कि हेल्प करता है ग्रुप की, बिल्कुल उन पर इम्पोज नहीं हो जाता, नॉट लाइक अथॉरिटेरियन थियरी, लेकिन हाँ ये उनकी हेल्प करता है अच्छी तर्ज पे। क्रिएट्स हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स एंड इंक्रीज ग्रुप मोरल। जाहिर है जितने ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे उतने ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ही ज़्यादा मोरल बढ़ेगा, मतलब जितने ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ हैं, जितना ज़्यादा आपके पास मटेरियल है, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है ना वो आपके अंदर जोश जज्बा बढ़ जाएगा कि हाँ हम तैयार हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप कैन लीड टू बेटर आइडियाज़ एंड मोर क्रिएटिव सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स बिकॉज ग्रुप मेम्बर्स आर इनकरेज टू शेयर देयर थाट्स एंड आइडियाज़। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप की यहाँ पर बात करें, वैल्यूज़ कर दें, इसको थोड़ा ऑल्टर कर दें, आपने इसे अपनी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक मोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर इज़ जस्ट एन आइडिया गिवन टू यू। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी उनके भी सॉल्यूशन निकल आते हैं, क्योंकि ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का हौसला बनते हैं और नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ निकल कर सामने आते हैं। द आउटकम इज़ सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी, क्योंकि हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हर बैकग्राउंड से लोग आकर चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो अब लेट सपोज़ कि अगर कोई मुल्क का डिसीजन है जिसमें पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं और जितने भी मेन मेन मतलब आप इसमें कर लें डिविजन्स हैं, वो लोग हैं, तो वो अपने अपने बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो जब एंड रिज़ल्ट किसी भी बात का निकलेगा तो मेजॉरिटी उससे इत्तफाक करेगी, क्योंकि उनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव तो वहाँ पे मौजूद है और वो उनके हक़ के लिए सोच रहा है।
तो मेजॉरिटी उनकी बात से इतफाक़ करेगी और चीज़ वर्कआउट करेगी। तो आई होप कि आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस थे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चीज़ों को ऑल्टर करना, मोल्ड करना आपका काम है। यू आर ऑन अ BS लेवल, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा ऑल्टर करना आना चाहिए। इट्स जस्ट अ सैम्पल गिवन टू यू कि आपको हेल्प आउट हो सके कि किस तरह आपको काम करना है। तो अभी अगर आपको इसका रिटर्न फॉर्म PDF या वर्ड फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ID लिख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक बात हमने की थी सोशल वर्क से रिलेटेड कि हमें सोशल वर्क के लेक्चर्स को स्टार्ट करना है, हमें PSY किस्ट जो है वो 403 जो आपका सोशल साइकोलॉजी है उसको स्टार्ट करना है, और MCM को मैंने स्टार्ट किया है। उर्दू आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई मेकिंग नोट्स अबाउट दैट कि आपको जिस जो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रीड आउट करके बता दिए जाएं या वो आपको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएं ताकि आपको उसके लिए कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। इससे ज़्यादा आपको हेल्प आउट करने के लिए ये हो सकता है कि आप मुझे जो मेरा पेज है जो आपको मिल जाएगा मेरे अबाउट सेक्शन में ऑन माई यूट्यूब पेज, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा मेरा फेसबुक पेज का लिंक। आप लोग वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी आपको पेपर में हेल्प चाहिए या किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उस पर वीडियो बन सके। और बाकी आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात है, आप इसको इस तरह ऑल्टर कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक लीडरशिप लिखना है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पर आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप की जगह डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लिख सकते हैं। आप इस तरह बात कर सकते हैं कि जहाँ पर जैसे पॉइंट लिखा है इनकरेज कलेबोरेशन, तो आप कह सकते हैं कि जब सोशल वर्कर्स अपने काम में डेमोक्रेसी को यूज़ करते हैं तो ये इनकरेज करते हैं कलेबोरेशन को। यहाँ पर लोग मिलकर काम करते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं, दे फील हैप्पी, दे फील इनकरेज, दे मोरल इज़ हाई। तो आप इस तरह इस बात का कॉन्टेक्स्ट जो है वो घुमा फिरा कर इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं कि जैसे डेमोक्रेटिक स्टाइल की यहाँ पर बात की गई है कि ह्यूमन स्टेटस के लोग होते हैं, तो आप वही बात कर सकते हैं कि सोशल वर्क जो आपका वॉलेंट्री सोशल वर्क होता है बेसिकली किसी भी काइंड ऑफ का, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि किस बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को इस तरह मोल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप देख लें कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लीडरशिप एग्जिस्ट करती है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर बाकी जो मामलात हैं, बाकी जो स्टाइल्स हैं, बाकी जो वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा सख्ती है लीडर्स की या फिर लीडर्स की बिल्कुल लीनियनशिप है। तो ये जो एक मीडियोकर रास्ता है, इसलिए दिस इज़ द बेटर वे, दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इन द सोशल वर्क एंड इन अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ, ताकि एक अच्छा ग्रुप ग्रो कर सके। ठीक है, आप इन चीज़ों को ऐसे इन पॉइंट्स को अपने वर्डिंग में मोल्ड कर सकते हैं। फोर्थ है जैसे कि क्रिएट्स हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स एंड इंक्रीज ग्रुप मोरल, तो यहाँ पे भी आप सोशल वर्कर्स को स्टार्ट में मेंशन कर सकते हैं कि जब सोशल वर्कर्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं इस थ्योरी को तो इनको ये चीज़ नतीजे में मिलती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।